नवी मुंबई के सानपाड़ा तुर्बे हाईवे के पास संयुक्त ट्रांसपोर्ट संगठना द्वारा पीडब्ल्यूडी विभाग कार्यालय के विरोध में एक दिवसीय निषेध आंदोलन किया गया। नवी मुंबई के सानपाड़ा तुर्बे फ्लाईओवर ब्रिज पर हुए बड़े गड्ढों के कारण किसी भी समय बड़ी दुर्घटना घट सकती है और किसी भी बेकसूर की जान जा सकती है, इस बात को लेकर संगठना द्वारा आंदोलन किया गया था। साथ ही संगठना के पदाधिकारियों ने कहा कि जल्द से जल्द पीडब्ल्यूडी द्वारा फ्लाईओवर ब्रिज की सड़क की दुरुस्ती का काम कराया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये इशारा भी दिया कि अगर सड़क की मरम्मत का काम सही समय पर नहीं कराया गया तो इसके बाद और भी तीव्र आंदोलन किया जाएगा। देखिए, ये जो आंदोलन है हमारा, ये पीडब्ल्यू के खिलाफ है। ये इसलिए है क्योंकि हमको काफी सारे कंप्लेंट्स मिले हैं। ये 6 महीना भी नहीं हुआ ये ब्रिज कंस्ट्रक्ट होके, सानपाड़ा का जो दत्ता मंदिर के सामने है, ये ब्रिज कंस्ट्रक्ट होके 6 महीना भी नहीं हुआ और इतने बड़े बड़े खड्डे हो गए ऑलरेडी, ठीक है। और इसके बारे में हमको बहुत सारे कंप्लेन आए, क्योंकि हम लोग जब उनके पास गए कंप्लेन देने तो कोई ले नहीं रहे थे, तो ये एक्शन लेना जरूरी समझा। हमने पहला लेटर सानपाड़ा स्टेशन में दिए और पीडब्ल्यूडी को दिए और आज ये पीसफुल रैली हमने लगाया है। ये हम लोग सीरियसली लेंगे मैटर को, आगे भी ये फॉरवर्ड करेंगे लेटर, आगे हायर अथॉरिटीज को जाएगा लेटर। और फिलहाल तो अभी ये भर रहे ऐसे सुनने में आए और अभी देखते इनका, खाली ये छोटा मोटा काम नहीं हमको मांगता है कि खाली ये पोर्ट होल से तो भर दिया और फिर छोड़ दिया। हमको ये चाहिए कि आगे जाके जो भी आप ब्रिजेस बनाएंगे, क्या गारंटी देते हैं कि ये आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे लोगों को। वी वॉन्ट द बेस्ट फॉर द पीपल एंड सो हम लोग उसके लिए इधर पीसफुल आंदोलन करें। हमसे नहीं, हमारे एक आदेश है मिस्टर कोपड़े जी, उन्होंने उधर जाके लगा सब दिया है, बस उतना है, उसके आगे कुछ नहीं। ये रोड के काम को लेके जो पीडब्ल्यूडी ध्यान नहीं दे रही है, कल कोई भी गरीब आदमी गिर सकता है, उसके ऊपर से गाड़ी जा सकती है, उसकी जान जा सकती है, जिसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं रहेगा लास्ट में। इस चीज की मुहिम के लिए हमने दीदी को सपोर्ट किया है संयुक्त ट्रांसपोर्ट संगठन के माध्यम से। मैं हरप्रीत सिंह, सरचिटनेस महाराष्ट्र। हमने ये आंदोलन इसीलिए किया है कि किसी गरीब आदमी के रास्ते पे जान नहीं जानी चाहिए, इसी के लिए रोड अच्छे से बननी चाहिए। जो आज इतने साल हो गए हैं कभी भी रोड बनती नहीं है, हर बार बारिश के पहले से रोड खराब होती है और बारिश के बाद तक रोड खराब रहती है। बट इनके पास जितनी मर्जी आप कंप्लेंट कर लो, दीदी ने 8 से 10 बार कंप्लेंट की है। अब कंप्लेंट हो जाने के बाद में इनको पता चला आज हमने मोर्चा निकालना है, आज इन्होंने रोड काम शुरू किया। अगर ये चाहते तो हमारे बिना कंप्लेंट दिए ये काम कर सकते थे, पर बिना कंप्लेंट के ये कभी काम करते नहीं है। नहीं, हमने आज यहाँ से पहल की है, इसके बाद अभी हम और जगह पे भी जहाँ जाएंगे, बहुत जगह पे, एक जगह पे नहीं है, कई जगह पे है। अभी हम खुद मुआयना करेंगे, हर जगह पे जहाँ जहाँ ये चीज की तकलीफ है हम खुद संगठन के साथ मिलके इसके लिए कंप्लेंट करेंगे। देखिए, रोड का काम तो उन्होंने आज ही स्टार्ट कर दिया है, पर ये सिर्फ लेपापोती करेंगे, अच्छे से नहीं करने वाले, हमको ये पता है। इसके लिए अभी हम फिलहाल 15-20 आदमी इकट्ठे हुए हैं, 25 आदमी इकट्ठे हुए हैं। अगर इन्होंने नहीं किया तो हम भारी संख्या में पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में मोर्चा लेके जाएंगे।